हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनू। दोस्तों, लाइगर फिल्म देखकर आ रहा हूं मैं, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गया। लेट मी डिस्क्राइब आंखों देखी हाल। हम लोग थिएटर पहुंचे, अंदर चले गए, एंट्री मारा यार, जैम पैक्ड, ऑलमोस्ट हाउसफुल। आगे का सीट्स पूरा टेकन, बीच का सीट्स पूरा ऑक्यूपाइड और पीछे का सीट तो खाली है ही नहीं यार। हम लोग ने पहले बुक किया तो वो बहुत अच्छी बात है। हम लोग जाके बैठा हमारे सीट्स पर, यार मैं आपको बताता हूं, भर भर के लड़के लोग आए, भर भर के ब्यूटीफुल लड़कियां आए, भर भर के आदमी लोग आए, भर भर के औरत लोग आए, फैमिली ऑडियंस, यंग ऑडियंस, एवरीवन अलाइक। एंड लेट मी टेल यू, फिल्म चालू होने के 15 मिनट बाद भी लोग आ रहा है यार। क्यों आ रहा है? वन सिंपल क्वेश्चन, क्यों आ रहा है? जस्ट टू वॉच दिस सुपरस्टार विजय देवराकोंडा। एंड व्हाई एम आई कॉलिंग हिम अ सुपरस्टार यार? मैं आपको आंखों देखा हाल वापस सुनाता हूं, आई विटनेस अकाउंट में आपको सुनाता हूं। आज थिएटर में जो हुआ, द मोमेंट विजय देवराकोंडा अपीयर्ड ऑन स्क्रीन इन लाइगर, उनका इंट्रोडक्टरी शॉट जो है, लुकिंग हॉट, लुकिंग एब्सोल्यूटली हैंडसम एंड वेरी वेरी डेबोनेर, द मोमेंट विजय देवराकोंडा केम ऑन स्क्रीन यार, सीटियां बजा, तालियां बजा, आई एम नॉट किडिंग दोस्तों, विस्लिंग एंड क्लैपिंग हैपेंड। दैट इज वॉट अनाउंस द एंट्री ऑफ सुपरस्टार विजय देवराकोंडा इन द नेशनल सीन इन टू बॉलीवुड यार। हियर आई एम यार। ये सीन मैंने रणबीर कपूर का फिल्म शमशेरा में नहीं देखा था, एक ताली नहीं बजाता। मैंने रणवीर सिंह का फिल्म जयेश भाई जोरदार में नहीं देखा, एक ताली नहीं बजाता। ना अक्षय कुमार के फिल्म में बजा, कोई भी सुपरस्टार के फिल्म में ताली नहीं बजा, सीटी नहीं बजा। वो तालियां और सीटियां आज मैंने सुना, आज मैंने देखा विजय देवराकोंडा के एंट्री पे। दैट इज व्हाट यू कॉल अ सुपरस्टार यार, ब्रिलियंट। एंड व्हाट एक्टिंग यार, लेट मी टेल यू, आई एम नॉट किडिंग, व्हाट एक्टिंग यार। द वे ही स्टैमर्ड, अरे लुक सो रियल, लुक सो नेचुरल, लुक सो एफर्टलेस, एंड द पॉजेस दैट ही टुक व्हाइल स्टैमरिंग एंड द वर्ड्स वेरी स्टैमर्ड, ब्रिलियंट टू वॉच यार। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, इंटरवल में जब हम बाहर निकले, लड़के लोग का जुबान पर सिर्फ एक ही वर्ड था, ल ल ल ल ल लाइगर। हम लोग फिल्म खत्म करके बाहर निकले, लड़के लोग का जुबान पर सिर्फ एक ही एक वर्ड था, ल ल ल ल लाइगर। सी दैट इज द इंपैक्ट दैट विजय देवराकोंडा परफॉर्मेंस क्रिएटेड ऑन द ऑडियंस, दैट इज द इंपैक्ट दैट द कैरेक्टर लेफ्ट ऑन ऑडियंस, अ लास्टिंग इंप्रेशन। मतलब पिक्चर खत्म होकर बाहर निकलने के बाद दे आर इमिटेटिंग विजय देवराकोंडा स्टाइल, विजय देवराकोंडा स्टैमरिंग स्टाइल, हिज डायलॉग्स, ब्रिलियंट यार, सुपर परफॉर्मेंस, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दैट आई हैव सीन इन दिस ईयर 2022। विजय देवराकोंडा एब्सोल्युटली रॉक, पूरे फिल्म को उन्होंने अपने कंधे पे उठाया यार। आप जाके देखो यार, आप जाके देखो, आपको पता चलेगा यार, मास मसाला कमर्शियल एंटरटेनर है लाइगर, विथ मासी डायलॉग्स, विथ मासी सीन्स एंड मासी ह्यूमर, जो आपको यार मतलब बस एंजॉय करना है, बस भाई चेयर पे बैठना, रिक्लाइनर ले लो, फ्रंट सीट ले लो, बीच वाला सीट ले लो, बस एकदम आराम से लाउंज करके बैठना है, पैर फैला के बैठना और एंजॉय करना। वो एंजॉयमेंट आज मैंने देखा यार, लोग क्या सीटियां और तालियां बजा रहे थे यार। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, वो जो इंट्रोडक्टरी सीन पे सीटियां और तालियां बजा विजय देवराकोंडा का, और उसके बाद उनका जो एक्शन आता है, जो फर्स्ट मेजर एक्शन सेट पीस है दोस्तों, क्या इंप्रेस किया विजय देवराकोंडा ने, क्या एक्शन किया यार। अरे जो फास्ट पंचर्स जो उन्होंने डाला, जो किक्स डाला, जो भागा, जो जंप किया, जो लीप किया, ब्रिलियंट टू वॉच। और जो वो एक मूव है दोस्तों, वो एक्शन में उनका एक पहला मूव है जिसमें वो यू नो किक करता है, वो किक पे जो सीटी और ताली बजाए दोस्तों, हियर इज व्हाट यू कॉल अ मासी सुपरस्टार, हियर इज व्हाट यू कॉल अ मासी सीन, एंड हियर इज व्हाट यू कॉल अ मासी एंटरटेनर। वो मास मसाला एंटरटेनमेंट बहुत टाइम बाद लाइगर में मिला यार, पूरी जगन्नाथ स्टाइल, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टू वॉच। और वो एक्शन जो मतलब सेट किया, सेट द टोन राइट फॉर द फिल्म। और उसके बाद भाई जो रोमांस चालू हुआ यार, लेट मी टेल यू, माय फेवरेट अनन्या पांडे एब्सोल्युटली रॉक्ड, शी लुक्ड हॉट, शी लुक्ड एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, शी लुक्ड एब्सोल्युटली सेंसुअल, और एक्टिंग सुपर्ब। और उनका और जो विजय देवराकोंडा का जो केमिस्ट्री था, ब्रिलियंट ब्रिलियंट टू वॉच यार। मैं आपको एक सीन बताता हूं जिसमें अनन्या पांडे उनके घर पे आते हैं, जब रम्या विजय देवराकोंडा से बात कर, आप देखना ब्रिलियंटली डायरेक्टेड सीन, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें रोमांस का वो मजा भी है। और उसके बाद जब आफत गाना आता है, लोगों ने जो एंजॉय किया, आफत गाना या अकड़ी पकड़ी हो या बाकी वाला गाना हो यार, गाना से ज्यादा बीजीएम ब्रिलियंट। एंड स्पेशली जब फाइट करते वक्त, जो फाइटिंग के टाइम पे जो बीजीएम बजता है यार, इतना गूज बम्स वाला बीजीएम है कि मैं क्या बताऊं यार। सो ब्रिलियंट 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 स्टफ एज फार एज बीजीएम ऑल्सो गोस। एंड लव लव स्टोरी के मैं बात कर रहा था, अनन्या पांडे एंड विजय देवराकोंडा, सुपर्ब केमिस्ट्री। देयर इज द सीन बिटवीन रम्या एंड अनन्या ऑल्सो, दैट हैपेंस इन द टेम्पल यार, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी वंडरफुली डन सीन दोस्तों। अब मैं आता हूं ह्यूमर पर,
There is adequate, more than adequate amount of humor, especially in the first half in the film. And courtesy this one actor, I have to say, Ganpat. Arey, Ganpat absolutely rocked there. Matlab, he provided all the laughs along with Ali, who makes a special appearance. Yaar, veteran actor hai yaar. Unka jo second special appearance hai, dham maakedar hai. But it is Ganpat whose humor really, really rocked. Especially Ganpat aur Vijay Devarakonda ka jo scenes hai yaar. Ek scene hai. जिसमें आप देखो यार, मैं जरा बताता हूं, मुझे स्पॉइलर देना नहीं है, बस डोजो में जो सीन्स होते हैं विजय देवराकोंडा और गणपत के साथ, अरे मजेदार यार, ताली मार, एंजॉयबल, एब्सोल्युटली, मतलब हंसोगे आप यार, जोर जोर से हंसोगे वो गणपत का एक एक स्टाइल देख के. एंड एक सीन में यार विजय देवराकोंडा का एक्टिंग का जलवा मैं आपको बताता हूं. एक सीन में विजय देवराकोंडा कुछ इशारा करके दिखाता कि ये काटूंगा, ये काटूंगा, ये काटूंगा, जो करता है वो, अरे 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 हंस पड़ोगे आप यार, हंस पड़ोगे. मैं बोल रहा हूं ना, खुल के हंसना है, मास एंटरटेनमेंट आपको लेना है, जाकर देखो लाइगर यार, सुपर सुपर वॉच. उसके बाद दोस्तों सेकंड हाफ में जो एमएमए पे फोकस किया यार, यहां पे मुझे कहना पड़ेगा जो एक्शन कोरियोग्राफी किया इनसाइड द रिंग यार, ब्रिलियंट स्टफ टू वॉच, ब्रिलियंट कोरियोग्राफी. जो एक्चुअल एमएमए मैचेस होता है उसमें जो एक्चुअल फाइट सीन्स जैसे आप देखोगे वैसे ही आपको लगेगा यार. एंड विजय ने क्या काम किया है यार, अरे जो जंप्स हो, जो किक्स हो, जो उन्होंने मतलब आदमी को, उनके जो विलन को, ओपोनेंट को जो गिराया है, जो उनको टैप आउट कराया है, सुपर टू वॉच. देयर इज दिस वन सीन उसमें विजय डस समथिंग, मतलब यार आप देखना, विजय इज लाइंग ऑन द यू नो इनसाइड द रिंग, उनको ओपोनेंट ने गिराया लेकिन वो इज नॉट डाउन एंड आउट. और उनका एक एटीट्यूड, वो जो एक एटीट्यूड है भाई, मैं हूं, वो जो दिखाता है, अरे यार मतलब वो WWE में रेसलर्स लोग करते हैं या फिर MMA में रेसलर्स लोग करते हैं, उनका वो एटीट्यूड जो दिखाया है विजय ने, ब्रिलियंट स्टफ यार, मजेदार लगा. वहां पे भी लोगों ने ताली बजाए दोस्तों. ये जो सीन्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सब तालीमार सीन्स है, ये सब मोमेंट्स पे, ये सब सीन्स पे लोगों ने सीटियां और तालियां बजाया यार. दैट इज द काइंड ऑफ एंजॉयमेंट दैट ऑडियंस टुक टुडे यार व्हाइल वाचिंग लाइगर, दैट इज द एक्सपीरियंस दैट दे गॉट यार. एंड ऑफ कोर्स यार, एक सीन तो मैं आपको बताता हूं यार, ये तो मतलब मजेदार है. एक सीन में विजय देवराकोंडा पूरा मतलब ही सराउंडेड बाय यू नो बाय चंकी, विद चंकी पांडे, इज इन द मिडस्ट ऑफ चंकी पांडे, अनन्या पांडे, अली, सब लोग है. वहां पे एक छोटा सा स्पीच देता है स्टैमर करके, ब्रिलियंट, धमाकेदार. और जो राइटिंग हुआ है दोस्तों, स्पेशल मेंशन हिंदी डायलॉग्स, ब्रिलियंटली रिटन हिंदी डायलॉग्स एंड ब्रिलियंट डबिंग, ब्रिलियंट वॉइस ओवर, ब्रिलियंट स्पीकिंग इन हिंदी एज वेल यार. विजय का हो या फिर अनन्या, तो ऑब्वियसली यार शी स्पीक्स वेरी वेल, सुपर. तो हिंदी जो हुआ है, डायलॉग राइटिंग एंड ऑल, हिंदी राइटिंग टॉप क्लास यार, मजेदार, वेरी वेरी मासी डायलॉग्स. एंड डायलॉग्स से याद है जो बाकी के एक्टर्स है, रोनित रॉय वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी इंपैक्टफुल. जो एक दो डायलॉग्स है उनका, लाइक स्टार्टिंग में एक डायलॉग मारता है, ताली बजाया ऑडियंस ने यार. मैं आपको बताता हूं कहां पर, जब वो डायलॉग वो बोलता है कि यार माता पिता तो आपको नाम देते हैं लेकिन नाम कमाना तो बेटे को होता है, भाई वाह, सुपर. या फिर जब रोनित रॉय उनके बूमिंग आवाज में विजय देवराकोंडा को बोलता है, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे इंसल्ट यू, देन दे फाइट यू एंड देन यू विन, ब्रिलियंट. या फिर जब वो एमएमए का यू नो महत्व समझाता है दूसरे ऑफिशियल्स को, रोनित रॉय, और बोलता है कि यार हमेशा पैसे के लिए नहीं, प्राइड के लिए भी लड़ना पड़ता है यार, सुपर टू वॉच. और एक तालीमार सीन दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गूज बम्स वाला सीन, जब इंडिया के बारे में बात करता है विजय देवराकोंडा, जो दिल से बात करता है, जो पैशन से बात करता है, जो एकदम आत्मा से बात करता है यार, हार्ट फेल्ट, एकदम गूस बम्स वाला मोमेंट है, जब वो बोलते हैं बहन क्या पूछ रहे हो आप, इंडियन से इंडिया के बारे, इंडिया इंडियन से इंडियन के बारे में पूछ रहे हो, उनका काबिलियत पे आप मतलब शक कर रहे हो यार, बात लगा देंगे हम, जो ताली बजाया लोगों ने दोस्तों, आई एम नॉट किडिंग, लोगों ने ताली बजाया इनसाइड अ पैक थिएटर, इट रेवरबरेटेड एकोड विद क्लैप्स एंड विसल्स, जब वो, जब विजय उनके स्टाइल में, उनके एटीट्यूड के साथ बोलता है, वाट लगा देंगे यार, सुपर. बट दोस्तों वेट फॉर दैट मोमेंट When Mike Tyson arrives, जो आपने ट्रेलर में एक झलक देखा था यार, इसमें सुपर्ब है यार. माइक टाइसन का सबसे बेस्ट चीज मैं आपको बताता हूं यार, माइक टाइसन के आने से एक अलग सा एक बाहर आ जाता है, क्योंकि उसमें नॉट जस्ट एक्शन, एक्शन तो है ही, लेकिन उसमें ह्यूमर का एक तड़का भी, एक डायलॉग जो बार बार माइक टाइसन मारता है, इज कंफ्यूज्ड, अरे लोग जो हंसे वहां पे आप भी हंसोगे यार, ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टफ. और यहां पे यार स्पेशल मेंशन वापस देना पड़ेगा विजय देवराकोंडा के यार, जो कंधे से कंधा मिला के माइक टाइसन के साथ खड़ा रहा, जो एक्शन किया माइक टाइसन के साथ, जिस तरह से उन्होंने किया और जो एक्टिंग किया माइक टाइसन के साथ यार, इंटरनेशनल पर्सनालिटी माइक टाइसन, मैं तो कहूंगा इस सीन के बाद तो भाई, दिस पुट्स विजय देवराकोंडा ऑन द इंटरनेशनल मैप यार, नो डाउट अबाउट इट. दोस्तों लेट मी रिइटरेट, अगर आपको मास मसाला एक्शन एंटरटेनर देखना है, यू नो एक अच्छा एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा देखना है,
क्योंकि यार हॉलीवुड ने तो बहुत सारा हिट बॉक्सिंग फिल्म हो, एमएमए फिल्म हो बनाया है, बट बॉलीवुड में नहीं बना है। तो भाई लाइगर को देखना तो जरूर बनता है, क्योंकि इसमें एक्शन है, मास मसाला एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी का तड़का है, एंड देन ऑफकोर्स लव का एक मैजिक भी है, एंड देन सॉन्ग एंड डांस सीक्वेंस भी है। और क्या चाहिए यार, बस जाकर देखो, लाइक आई सेड, जस्ट एंजॉय करो यार, टेक योर फैमिली, यू जस्ट हैव टू एंजॉय एंड लाफ, एंड ऑफकोर्स वॉच विजय देवराकोंडा एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, सुपर। दोस्तों आई एम गोइंग विद 3.5 स्टार्स, इनफैक्ट फॉर विजय परफॉर्मेंस आई विल गिव 4 out of 5, टेरिफिक। दोस्तों अगर आपने देखा है लाइगर तो मुझे लिखकर बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा, एंड ऑफकोर्स विजय देवराकोंडा का परफॉर्मेंस आपको बेहतरीन लगा कि नहीं यार, लेट मी नो यार। यार लाइक आई सेड, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस दैट आई हैव सीन यार इन 2022, दैट इज विजय देवराकोंडा फॉर यू। लेट मी नो योर टेक दोस्तों, एंड ऑफकोर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है, वो भी आप दे सकते हो। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा। दोस्तों एक और चीज, विजय देवराकोंडा का बॉडी, सुपर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन यार। इनफैक्ट विजय ने मेहनत किया है उनके बॉडी पर, और वो मेहनत दिखता है स्क्रीन पर यार। ही लुक्स लाइक अ रियल फाइटर, ही फील्स लाइक अ रियल फाइटर, लुक्स लाइक अ रियल मार्शल आर्टिस्ट, फील्स लाइक अ रियल मार्शल आर्टिस्ट। इनफैक्ट लेट मी डिस्क्राइब दिस सीन टू यू यार। वो सीन में जब विजय अपना शर्ट निकालता है और वो जब स्लो मोशन वॉक करता है इनटू द रिंग, वो जो बीजीएम तब बजता है, विजय का बेयर बॉडी, उनका इंटेंस हैंडसम फेस, लोगों ने जो सीटियां और तालियां बजाया दोस्तों, वो सीन पर ब्रिलियंट ब्रिलियंट टू वॉच यार। मैं कह रहा हूं ना, मास मसाला एंटरटेनर है लाइगर। इनफैक्ट दूसरे जो एक्टर्स है, रम्या कृष्णन चैनलिंग हर इनर शिवगामी, ब्रिलियंट टू वॉच यार। एक सीन में द वे शी इंस्पायर्स विजय देवराकोंडा कैरेक्टर लाइगर, इट वॉज सुपर्ब टू वॉच। एंड देन चंकी पांडे, ऑफकोर्स थोड़ा उनका आखिरी पास्ता स्टाइल भी दिखा इसमें, विच वॉज ऑल्सो नाइस टू वॉच। बट यार इट इज विजय देवराकोंडा हु लीड्स द पैक विथ हिज करिज्मा, विथ हिज ब्रिलियंट एक्टिंग, द वे ही स्टैमर्स, सुपर्ब टू वॉच, एंड हिज एक्शन एब्सोल्यूटली ब्रिलियंट, एंड सुपर्ब बॉडी, सुपर्ब सुपर्ब टू वॉच। दोस्तों जाकर देखो यार, एंगेजमेंट एंटरटेनमेंट एक्साइटमेंट गारंटीड है लाइगर में, डोज ऑफ ह्यूमर है, एक्शन है, पावरफुल परफॉर्मेंस है भाई विजय देवराकोंडा, और क्या चाहिए यार। तो अगर आपने देखा है लाइगर तो मुझे लिखकर बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा, ऑफ कोर्स विजय का परफॉर्मेंस दमदार लगा कि नहीं, लेट मी नो। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।